नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप लोगों के नाम पर गैस का कनेक्शन है, अगर आपने गैस कनेक्शन ले रखा है तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ यह है दोस्तों कि अब आप लोगों को जो है ना गैस का सिलेंडर जो है 450 रुपये मात्र मुहैया कराया जाएगा। ये जो है अभी अभी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो देखिए, सबसे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लाडली बहना योजना की घोषणा करी, जिसमें कहा गया कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर मंथ जो है 1000 से लेकर 3000 के बीच में जो है ना ये लाडली बहनों को दिया जाएगा। तो ये महिला सशक्तिकरण का पहला कदम था। इसके बाद, इसके जस्ट बाद ही, जैसे ही लाडली बहनों को पहला किस्त मिल गया तो दो बड़ी घोषणा और करी गई थी, जिसमें था पहली घोषणा तो ये करी गई थी दोस्तों कि जितने भी लाडली बहना हैं सभी को जो है 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बन जाती है तो। ठीक है, ये घोषणा जो है ये चुनाव से पहले करी गई थी, इलेक्शन से पहले किया गया था, गवर्नमेंट बनने से पहले किया गया था। और इसके अलावा दूसरी घोषणा भी करी गई थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि जितने भी लाडली बहना हैं सभी को जो है लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो है एक बार फिर से उन्हें जो है आवास मुहैया करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी घोषणा जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा करी गई थी, और इसे जो है मध्य प्रदेश का जो संकल्प था चुनाव से पहले, जो मैनिफेस्टो होता है उसमें भी इसे जो है शामिल करा गया था। तो इन्हीं घोषणाओं को जो है ना अब जो है पूरा करने जा रहे हैं प्रदेश के नए जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इनके द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया है कि जितनी भी लाडली बहना हैं अगर उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से गैस का कनेक्शन ले रखा है तो उन्हें जो है गैस का जो सिलेंडर है वो 450 रुपये में दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे मिलेगा 450 में गैस का सिलेंडर, कब से मिलेगा, इसका पंजीयन कहां से भरा जाएगा, इसमें दस्तावेज क्या लगेंगे, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों नियम और शर्तें क्या रखी गई है। पहली कंडीशन तो ये है दोस्तों कि जो भी गैस कनेक्शन धारक है वो एक महिला होनी चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तीसरा, जो महिला है उसके नाम पर उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन लिया होना चाहिए, तभी जो है उस महिला को जो गैस का सिलेंडर है वो 450 रुपये में दिया जाएगा। तो ये नियम और शर्तें जो है रखी गई हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैस का सिलेंडर 450 रुपये में केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो लाडली बहना योजना में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, जिन्हें जो है लाडली बहना योजना का पैसा मिलता है, साथ ही साथ उन्होंने जो है ना उज्ज्वला योजना जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है उस योजना के माध्यम से उन्हें फ्री में जो है गैस का कनेक्शन मिला होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो पंजीयन है वो कहां से होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करी थी चुनाव से पहले, तभी इसका जो है पंजीयन स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे ही लाडली बहना का फर्स्ट किस्त जो है लाडली बहनों के खातों में डाला गया, उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ से ही इसका जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट करवा दिया गया था सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा, सभी नगर पालिकाओं के द्वारा। ये जो है जितने भी पात्र महिलाएं थी सभी का फॉर्म जो है भरवाया जा रहा था लाडली बहना आवास योजना के लिए, और साथ ही साथ लाडली बहनाओं को 450 में गैस का सिलेंडर देने के लिए। ठीक है, ये फॉर्म पहले ही भरवाया जा चुका है, अगर आपने नहीं भरा है तो इसकी जानकारी जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, कब से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल पर आप लोगों को जो है ये अपडेट मिल जाएगा जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है दोस्तों कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ये जो रजिस्ट्रेशन था ये पहले ही ऑफलाइन तरीके से हो रहा था। आप लोगों को पता होगा कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका के द्वारा जो है ये रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे थे, तो इस बार भी जो है बहुत ज़्यादा आसार हैं कि इस बार भी इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन तरीके से होगा ग्राम पंचायतों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है फिलहाल, तो अभी जितने भी पात्र महिलाएं हैं जो लाडली बहनों में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को केवल जो है ये लाभ जो है मिलने वाला है 450 में जो सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा। इसका लाभ जो है केवल अभी जितने भी पात्र महिलाएं हैं, रजिस्टर्ड महिलाएं हैं लाडली बहना के अंतर्गत, उन्हीं को केवल इसका लाभ मिलेगा।
ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन जो है करवाया जा चुका है। अगर आप छूट गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि कब से इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी जानकारी दे देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप लोगों को कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो इसके लिए दस्तावेज जो है ना दोस्तों, वो आप लोगों का पहला दस्तावेज लगेगा आपका पासबुक, दूसरा जो है आपका आधार कार्ड, तीसरा जो है आप लोगों का लाडली बहना में जो आपने पंजीयन कराया है उसका पंजीयन क्रमांक, चौथा जो है आप लोगों का गैस कनेक्शन की जो आईडी होती है वो लगेगा, कंज्यूमर नंबर लगेगा, ठीक है। तो ये जो दस्तावेज आप लोगों के पास होने जरूरी है, ठीक है, ये जल्द से जल्द आप लोगों का स्टार्ट किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे आप लोगों को जो है मिलेगा ये, कैसे आप जो है इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।